Let me do my two-step. तो भैया जी, आज की कहानी शुरू होती है कुछ यूं। हम सुबह 7 बजे उठे, हाथ मुंह धोया और उसल से थोड़ा दूर ही भागते हैं हम, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा परफ्यूम लगाया और बैग पैक किया, मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्यों। तो उस क्यों का जवाब है ये कहानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे पैसे बचते भैया। सील पहन के लिए, मतलब पहनने के लिए बोलना नहीं पड़ता, हम पहन लेते हैं। बच्चे बड़ी तरक्की की है, चेहरा पे आ गया। तो भैया, आपकी इतला के लिए बता दें कि हम अपनी मंजिल की तरफ गामजा ने रेडियो। यस 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 वी गो। हाँ जी, तो हमने टिकट ले लिए यहाँ पे और अभी हम आए यहाँ पे जूते शूते सामान लेने के लिए। तो ये अभी चेंज कर रहे हैं पीछे जूते, ये तो अभी जूते चेंज करते हैं और नीचे जाते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखो बंदा गिर गया, आखिर नाकाम ही हो गया। ये मुझे गिराया है, मैंने नहीं गिराया। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। ब्रेक ही मार रहे थे, मैं इसको देख के मैं कहा स्लो करता हूँ, स्लो करते करते एक और आया। बता दो तो सही, मैं इधर जा रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं आना था यहाँ पे, मुझसे गलती हो गई। बंदा स्किन के लिए आए और किसी को बर्फ का गोला ना मारे तो फिर आने का फायदा क्या। इसको तो इग्नोर करना, क्योंकि ये कह रहा था कि मुझे भी वीडियो में आना है।
टिकट है 79 का, तो हम स्टूडेंट हैं इसलिए हमें 20 का डिस्काउंट मिला है, तो बन गया 59। उसके अलावा 5 रुपये इंश्योरेंस और बाकी हमें जो ये जो सामान लेते हैं, ये जूते वगैरह ये सारा कुछ और ये ग्लव्स, इसके भी पैसे लेते हैं, तो उनके बनते हैं 30 जान। ये सीन है। और दूसरी बात यह है कि जब ऊपर आने के लिए जो एक्सेलेटर लगा हुआ है ना, वो बहुत स्लो है, तो वो जो इंतजार करना पड़ता है ऊपर पहुंचने तक, वो काम बड़ा मुश्किल है। A few moments later. हाँ जी, तो अभी सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो आ चेक करो पीछे जो पानी जटे देख लो आप कितनी बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और हमें अभी गाड़ी बुक करनी है और हमें पता भी नहीं कैसे करें, और सर्विस भी नहीं है, और आपने मेरे मोजों के बारे में कुछ नहीं कहा, तेरी मुझे बहुत मजे तो अभी ये सीन ही है कि हमारा नेट भी नहीं है यहाँ पे, सर्विस बिल्कुल नहीं है, और गाड़ी उसको बुक करना है वो भी नहीं है, तो ये अभी बहुत दूर है जगह हमारी इंडस्ट्री से, तो पता नहीं अभी क्या होगा इसका। तो भैया जी ये था आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में वो जो बेल आइकन नहीं होती जो वो घंटी सी बनी होती है तो उसको भी दबा दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए